क्या चंपई सोरेन सरकार के कई मास्टर स्ट्रोक पर मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ गया? क्या मोदी ने झारखंड के 54% आबादी के वोट बैंक में गजब की सेंधमारी कर दी? क्या 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के अंदर मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से बेचैनी बढ़ी है? आखिर पीएम मोदी ने वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला? आखिर मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक चंपई सोरेन के कई मास्टर स्ट्रोक से बड़ा कैसे है? और वाकई में क्या इसको लेकर इंडिया गठबंधन में बेचैनी पैदा हुई है? आपको पूरी कहानी इत्मीनान से बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, आचार संहिता खत्म होते ही चंपई सोरेन की सरकार ने कई मास्टर स्ट्रोक चला। पहला था हजारों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करना, फिर यह ऐलान करना कि अगर कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाता है तो सीधे अब उसे झारखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा भी कई तरह के मास्टर स्ट्रोक चले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3-4 महीनों में बहुत काम होना है और वो वोट बैंक को देखते हुए किया जाएगा ताकि झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन की सरकार को फायदा हो। लेकिन इसी बीच मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। आपको पता होगा कल ही मोदी 3.0 कैबिनेट का विस्तार हुआ और 2 सांसदों को जो है केंद्र में मंत्री बना करके मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा यादव जो पहले आरजेडी में थी, 2019 चुनाव में के पहले जो है वो शामिल होती हैं बीजेपी में और उनको बकायदा जो है पिछली बार भी केंद्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया और इस बार अन्नपूर्णा यादव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है पीएम मोदी ने अन्नपूर्णा यादव को साथ कर झारखंड के तमाम यादवों को साधने की कोशिश की है। कहा जाता है कि झारखंड में 14% यादव हैं, ओबीसी में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो यादवों की है और इसलिए मोदी ने यादवों को मैसेज दिया कि अन्नपूर्णा यादव को हमने 2019 में राज्य मंत्री बनाया था लेकिन इस बार सीधा केंद्रीय कैबिनेट बनाया है। इसके अलावा संजय सेठ जो रांची से चुनाव जीत कर आए उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कहा जाता है कि झारखंड में जो एमबीसियों की जनसंख्या है तमाम उपजातियों को मिलाकर वो 40% है, तो संजय सेठ को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देकर मोदी ने एक बड़ा दाव चल दिया। अगर आप अन्नपूर्णा यादव जिस समाज से आते हैं, संजय सेठ जिस समाज से आते हैं, अगर दोनों की जनसंख्या को जोड़ा जाए तो ये कुल मिलाकर 54% होता है, यानी झारखंड की कुल जनसंख्या का 54%। और इसी वोट बैंक पर सेंधमारी करने की पीएम मोदी ने शानदार कोशिश की है और यही वजह है कि इंडिया गुट इससे थोड़ा परेशान है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे की चर्चा खूब चल रही थी कि वो चौथी बार जो है चुनाव जीत कर आए और बाकायदा संसद में जो है वो काफी विवाकी से अपनी राय रखते हैं, पीएम मोदी के अमित शाह के नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे को इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। उनके बजाय जो है वो यादव समाज और बैस समाज के एक सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके पीएम मोदी ने एक बड़ी चाल चल दी है। आपको बता दें कि आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया, तो क्या आदिवासी को शामिल नहीं करना ये मोदी को बड़ा झटका लगेगा? आपको बता दें कि अर्जुन मुंडा जो पिछली बार खूंटी से चुनाव जीते थे उनको केंद्र में बकायदा जनजातीय मामले का मंत्री बनाया गया, कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा खूंटी में कालीचरण मुंडा से चुनाव हार गए। हालांकि ये खबर है कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव होगा तो अर्जुन मुंडा या बाबूलाल मरांडी में से किसी एक को आगे किया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड से मात्र 2 सांसदों को जगह दी गई, एक अन्नपूर्णा यादव और एक संजय सेठ। और इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए पीएम मोदी ने जो जातीय समीकरण है उसको साधने की शानदार कोशिश की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यादव अन्नपूर्णा यादव के कहने पर पूरे झारखंड के यादव जो हैं वो भाजपा को वोट करेंगे? हालांकि ये कहा जाता है कि जो वैश्य समाज है वो बीजेपी के साथ खड़ा होता ही है। आपको क्या लगता है, आपका सियासी ग्रंथ क्या कुछ कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।